नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और आज ये शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर कुछ अच्छा सा आइटम तो किचन में बनना ही चाहिए। और ऐसे तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि आज मैं है ना मार्केट से कुछ मंगवा लूंगी आइटम सब, आज छुट्टी कर लूं किचन से। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे है ना ब्लॉग बनाना था, इसलिए मैंने खास जो है आज कुछ बनाने की योजना बनाई। मैंने देखिए फ्रेंड्स, ये सूजी है और सूजी का मैं हलवा बनाऊंगी, जिसे हम लोग तो खाएंगे ही और आप भी खाइएगा। और फ्रेंड्स, मैं ये हलवा बनाऊंगी, घी गरम हो रहा है, प्योर घी। और देखिए घी गरम हो गया फ्रेंड्स, और मैं अब हलवा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सा रेसिपी किया है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनरली लोग जलेबी खाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जलेबी दही से बनता है और दही घर में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा सूजी का हलवा बनाऊं। तो फ्रेंड्स, ये आप भी बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत लोग को ये आता होगा, लेकिन फ्रेंड्स बहुत से लड़के हैं, बॉयज हैं बेचारे, जो बैचलर हैं या जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें सारी चीज तो नहीं आती है। या लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, तो वे लोग इसको ट्राई कर सकती हैं। ये आसानी से बन जाएगा फ्रेंड्स। इसको जितना ज्यादा अच्छे से इसको सेकेंगे कढ़ाई में, ये उतना टेस्टी बनेगा। जब तक कि इसका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाए, तब तक मैं इसे इस तरह से सेकती रहूंगी फ्रेंड्स। अब मैं चाहूँ जिसमें थोड़ा आटा भी मिक्स कर सकती हूँ, ये नया चीज हो जाएगा अगर इसमें थोड़ा सा आटा भी मैं मिला दूँ तो। इसमें मैं थोड़ा सा आटा भी मिलाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी और आटा का ये नया टेस्ट आ जाएगा इसमें। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोग ने क्या बनाया। जो भी मेरी लेडीज फ्रेंड्स है, यूट्यूबर है, वो लोग अपना भी शेयर कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर क्या खाया, क्या बनाया। आज हम लोग ने सोचा था कि कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स हमने सोचा था, अभी बहुत अच्छी 2-3 फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन हमें टिकट ही नहीं मिली, सब हाउसफुल है। वेदर टू, ओ माय गॉड। लेकिन फ्रेंड्स पूरी टिकट बुक हो रखी है, एकदम हाउसफुल। अब शोर सुबह घर में ही हम लोग ने एंजॉय किया। ज्यादा लग रहा है क्या? बोल सकते हैं आप भी और आटा डाल देते हैं। लेकिन अब ठीक नहीं रहेगा है ना। देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अच्छा, सूजी और डाल दीजिए। सूजी अब नहीं डालना है, अच्छा ही बनेगा। हो गया लाल, हो गया। इसे जल्दी जल्दी चलाना होता है, नहीं तो ये जलने लगेगा। अब फ्रेंड्स, ये कलर इसका चेंज हो गया है।
अच्छे से ये बैक हो गया है एकदम। इसका मैंने आटा भी मिक्स किया है इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जनरली लोग या तो सूजी का बनाते हैं या आटा का बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसे आप भी मिक्स करके बनाइएगा, बहुत यूनिक टेस्ट आता है इसका। करीब करीब जितना मटेरियल था उतनी मैंने चीनी भी दी है और चीनी चूंकि कम नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ी और चीनी मिक्स करूंगी। देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें इलायची डाल दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए सूजी का हलवा बन के तैयार है। इसमें मैंने इलायची डाल दी है पीस के और फ्रेंड्स इसे मैंने इस बर्तन में निकाल लिया। सेम कढ़ाई में ही मैंने रिफाइंड तेल डाला है और अब मैं इसका मेदू बड़ा बना रही हूँ। अब मैं इस कढ़ाई में मतलब मेदू बड़ा बना रही हूँ। फ्रेंड्स आजकल दाई लोग का बहुत प्रॉब्लम है, काम वाली बाई जो है ज्यादा बर्तन मसना नहीं चाहती, इसलिए फ्रेंड्स मैंने सेम कढ़ाई में ही इसको खाली करके इसमें मेदू बड़ा बनाना चाहा। और ये फ्रेंड्स देखिए मैंने कैसे बना रही हूँ। ये मैंने उड़द दाल को मिक्सी में पीस लिया है और इसमें मैंने नमक हरी मिर्चा काट के डाल दी है और ये फ्रेंड्स बहुत इजी है और बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स और बहुत जल्दी बन भी जाता है। देखिए अरे भाई इतना पास में कैसे मिल रहा है। और ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स और बहुत हैवी भी नहीं होता है। ये मेदू बड़ा है। उड़द दाल को पहले भिंगो देना होता है पानी में, पानी में कम से कम 1 घंटा इसको पानी में भिंगो देते हैं और उसके बाद थोड़ा फूल जाता है दाल, फिर इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं और पीसने के बाद इसमें मसाला डाल दिया मैंने। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कोई भी लड़का लड़की मतलब बना सकता है, हॉस्टल बॉय और हाउस वाइफ को तो आता भी होगा। और फ्रेंड्स इसमें फिर मैंने नमक मिर्चा और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाला था और हरी मिर्चा काट दी थी और ये फ्रेंड्स बस इसमें मैंने तेल में इसको सेक लेना है। और कोशिश करेंगे कि इसको धीमी आंच पे हम लोग सेके, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। कट करो। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए कुछ मेदू बड़ा बन के तैयार हो गए और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। इसे या तो मैं सॉस के साथ परोसूंगी या मीठा अचार है। और ये सूजी का हलवा भी बन के तैयार है फ्रेंड्स। आज स्वतंत्रता दिवस पे मैंने यही अच्छे चटपटे और मीठे आइटम तैयार किए हैं फ्रेंड्स। और
मैंने खास करके ब्लॉग बनाने के लिए भी ये सब कुछ बनाया है, अदरवाइज मैं मार्केट से जलेबी मंगवाने वाली थी, दुबला जलेबी, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना था फ्रेंड्स, तो मैंने ये सब चीज खास आप लोग के लिए भी बनाई है फ्रेंड्स। और देखिए पसीना भी छू रहा है। और प्लीज फ्रेंड्स बताइएगा ये सब खाने में कैसे लगे आपको, और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा लाइक कीजिएगा। और आप लोग वंस अगेन स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, और बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।